बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिसेंट। दिस इज़ फैसल जान फ्रॉम हिशार मॉडल स्कूल चरसदा ब्रांच। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 4, द डैफ़ोडिल्स बुक एक्सरसाइज, कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो लेट्स कम टू द बुक एक्सरसाइज। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमारे साथ क्या चीज़ है इन ग्रामर कॉन्टेक्स्ट। सो लेट्स कम टू द पार्टिसिपल टू डिस्कस द पार्टिसिपल। व्हाट इज इट? अ पार्टिसिपल इज अ वर्ड फ्रॉम अ वर्ब विच कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव। हमारे साथ जो पार्टिसिपल है वो वर्ब से फॉर्म होती है और फंक्शन करता है एज एन एडजेक्टिव। किस चीज़ का फंक्शन करता है? हमारे साथ एज एन एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। द मैन इज स्लीपिंग ऑन द कोच। स्लीपिंग हमारे साथ एज ए वर्ब है, ठीक है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में? पार्टिसिपल में। द स्लीपिंग मैन वॉज ऑन द कोच। स्लीपिंग हमारे पास यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुई है। तो हमारे पास पार्टिसिपल जो है वो एज एन वर्ब होता है, लेकिन फंक्शन जो करता है वो हमारे साथ एज एडजेक्टिव करता है। द पॉपी वॉज हाउलिंग एट द मून। वॉज हाउलिंग हमारे साथ यहाँ पर क्या है? वर्ब यूज हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब यूज हुई है। द हाउलिंग पॉपी लुक्ड एट द नाइट। यहाँ पर हाउलिंग जो है हमारे साथ एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। Next come to this next slide. In the next slide we have present participle and past participle. Present participle जो है हम the present participle is often referred to as ing form of verb. ये mostly हम उसको कहते हैं जो ing form of verb होते हैं, इसको हम present participle कहते हैं। जिस तरह पहली स्लाइड में हमने डिस्कस की थी तो वो इसे उसको हम present participle कहते हैं, ठीक है। ing form जो है इसको present participle भी कहते हैं। जबकि past participle जो है इज़ ए वर्ड इज़ फॉर्म विद अ वर्ब। वो फॉर्म होता है किसी से वर्ब से। इज यूज एन एडजेक्टिव आर फ्रॉम द टेंस। ये मोस्टली हमारे साथ एडजेक्टिव भी यूज होता है। प्रोबेबली एंड्स विद ई डी डी टी ई एन आर एन। ये इन चीज़ पे फिनिश होता है, ठीक है। जो हमारे साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज एंड विद ई डी डी टी ई एन या एन, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में हिज पेंटेड स्किन। पेंटेड स्किन जो है हमारे साथ ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ है और इसको हम एज अ पार्टिसिपल भी कहते हैं। आई हैव फॉरगॉटन माई लाइन्स। यहाँ पर देखिए हमारे साथ फॉरगॉटन ये एज ए वर्ब टेंस यूज हुआ है फॉरगॉट का। तो जो हमारे साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल चीज़ जो है सिंपल, मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता दूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इन जी फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारे साथ प्रेजेंट में यूज़ होता है उसको कहा जाता है। और जो हमारे और जब इसको हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो वो एज एडजेक्टिव फंक्शन करेगा। जबकि हमारे साथ पास्ट पार्टिसिपल जो है इज ए वर्ब विद फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब। वर्ब से फॉर्म होता है जो ई एन टी या डी टी ई एन या एन पे फिनिश हो जाता है और फंक्शन करता है एज एन एडजेक्टिव। सो लेट्स कम टू द बुक एक्सरसाइज ग्रामर। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल टू फिल इन द ब्लैंक्स। हिज डैश कोट नीड्स मेंडिंग। हिज टैटर्स। सो यहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे टैटर्ड को। टैटर्ड यहाँ पर फिर एडजेक्टिव यूज होगा तो यहाँ पर हमारे साथ फिर ये पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। टैटर्ड कोट। टैटर्ड हमारे पास एडजेक्टिव है जो मॉडिफाई करेगा कोट को। अ डैश स्टोन गैदर्स नो मॉस। यानी ये हमारे साथ एक इडियम भी है कि दूबी का कुत्ता न घर का न गाट का। अ रोलिंग रोल्ड रोल रोल्स। Rolling is the correct participle used here. It is present participle. A rolling stone, ये हमारे साथ present
पार्टिसिपल है. अ डैश अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स. लूजिंग लॉस्ट लूज लॉस लॉस. तो यहाँ पर लॉस्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल हम लगाएंगे. ठीक है. ही केप मी डैश. ही केप मी वेटिंग. ही केप मी वेटिंग. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड. फिलिंग द करेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म. प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल. आपने यहाँ पर करेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल लगानी है. ही वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर. डैश मैगजीन. रीडिंग मैगजीन. डैश इन द कंपनी फॉर मैनी ईयर्स. ही न्यू एवरी वन एंड एवरी थिंग. सर्विंग. सर्विंग मीन खिदमत अंजाम देना. द कप विद मिल्क. ले ऑन द टेबल. ले ऑन द टेबल और लेड ऑन द टेबल दोनों ठीक है. नोइंग ईच अदर फॉर एजेस. दे हैड अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट इट. नोइंग. नोइंग. मैरिड इन टू अ रिच फैमिली. शी गॉट एवरी थिंग शी विश्ड फॉर. मैरिड. Here in the fifth sentence we will use the word married, past participle. So let's come to the infinitive and infinitive phrase. Infinitive student, infinitive जो है हमारे साथ two plus base form of verb that is called word infinitive. जब हमारे साथ base form of verb आता है और इसके साथ two लगता है. Two plus base form of verb is called infinitive. Two plus base form of verb That is called infinitive. टू के बाद रिमेंबर रखें कि हमारे पास जब टू आ जाएगा इसके बाद जब इन्फिनेटिव लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा हमेशा हमेशा के लिए. टू के बाद कभी भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है. ओके. यहाँ पर इन्फिनेटिव इज अ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफन प्रिसीड बाय टू एंड इन्फिनेटिव. बेस प्रेज कंसिस्ट ऑफ इन्फिनेटिव एंड रिलेटेड वर्ब. जो हमारे पास इन्फिनेटिव है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जबकि इन्फिनेटिव प्रेस जो है इन्फिनेटिव होता है इसके साथ रिलेटेड वर्ड होते हैं. सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. हमारे साथ इन्फिनेटिव के जो वो एक्सरसाइज है उसकी तरफ आते हैं. इन्फिनेटिव अंडरलाइन द इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव इन ईच सेंटेंस. द बेस्ट प्लम्बर टू कॉल इज मिस्टर आमिर. टू कॉल. टू कॉल यहाँ पर हमारे साथ क्या है infinitive hai. His only ambition was to succeed at his job. To succeed. Hamare sath ye infinitive hai. Isko underline kar le. Each year Mansoor tried to find more deduction from his tax return. Yahan par to find ko underline kar le. टू फाइंड हमारे साथ क्या है इन्फिनिटिव है. टू पेच द होल इन द टायर. द मैकेनिक इंसर्टेड अ प्लग. मैकेन यहाँ पर टू पेच हमारे साथ क्या है इन्फिनिटिव है. शी लर्न टू रीड एंड राइट इंग्लिश इन कोचिंग अकेडमी. शी लर्न टू रीड. टू रीड हमारे साथ इन्फिनिटिव है. टू रीड हमारे साथ क्या है इन्फिनिटिव है. इसको अंडरलाइन कर ले. कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एन इन्फिनिटिव. इस सिंपल सेंटेंस को हमने कंबाइन करनी है टू के जरिए. ठीक है. यहाँ देखिए. आई हैव एंगेज अ प्राइवेट ट्यूटर. ही विल टीच मी इंग्लिश. अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो इस तरह करेंगे. आई हैव एंगेज अ प्राइवेट ट्यूटर टू टीच मी इंग्लिश. ही विल को हम काटेंगे और ही विल की जगह टू लगाएंगे. इज वेरी वीक. ही कैन नॉट वॉक. अगर हम इसको एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे कन्वर्ट करेंगे. ही इज वेरी वीक टू वॉक. ही कैन नॉट की जगह टू वॉक लगाएंगे. ही इज वेरी वीक टू वॉक. आई लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ माई कैरेज. आई वॉन्टेड टू सी द ग्रीन पास्चर्स. Look at this sentence. I look out the window of my carriage.
I look out of the window of my carriage. I wanted to see the green pasture. यहाँ पर आप देखिए, I look out the window of my carriage. I wanted को काटले to see my I look out of the window of my carriage to see the green pastures. Okay, fourth number की तरफ आइए. The proposal is quite unreasonable. Unreasonable, it cannot be accepted. यहाँ देखिए, the proposal is quite unreasonable. It cannot को काटले to be accepted. नेक्स्ट आप आइए फिफ्थ नंबर की तरफ. ही वॉन्ट्स टू गेन द फर्स्ट पोजिशन, ही वर्क्स हार्ड फॉर इट. यहाँ पर अगर सेंटेंस को अगर हम करेंगे चेंज, तो ये इसका क्रोनोलॉजी, इसका सेंटेक्स जो है ठीक नहीं आएगा. ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे. ही वर्क्स हार्ड टू गेन द फर्स्ट पोजिशन. ही वर्क्स हार्ड to gain the first position. So this was the present participle we have discussed, the present participle and the past and present participle we have discussed. Let's come to the difference again. I will recapitulate the following thing. So let's come again the participle. Participle हमारे पास क्या चीज़ है? Participle वो word है. Participle is a word from form of a verb which can be used as an adjective. हमारे पास वो form of verb है जो हम use करते हैं as an adjective. यहाँ पर देखिए, the man is sleeping on the couch. स्लीपिंग हमारे साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है, लेकिन ये हमारे साथ अगर हम एज ए पार्टिसिपल यूज़ करेंगे तो पार्टिसिपल हमारे साथ एज ए एडजेक्टिव यूज़ होगा. ठीक है, द स्लीपिंग मैन, स्लीपिंग मैन जो है हमारे साथ एडजेक्टिव है, मैन को मॉडिफाई कर रहा है. सेकेंड आप आ जाए तो हमारे पास टू काइंड ऑफ पार्टिसिपल है. एक को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और दूसरे को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल दूसरे को कहते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्ट्स एज ए वर्ब करते हैं, एज ए वर्ब करते हैं, लेकिन मोस्टली आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. जिस तरह हम टेंसेस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस में और फ्यूचर कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में. इनमें सारे जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ की जाती है और वो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. ठीक है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल जो है हमारे साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है, जो मोस्टली प्रोबेबली एंड विद ई डी डी टी ई एन और इन से हमारे साथ फिनिश हो जाता है, इसको पास्ट पार्टिसिपल यूज कर कहते हैं और वो हमारे साथ एज ए जब फंक्शन करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो वो हमारे साथ एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करता है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मैंने डिस्कस किया था, ये बुक एक्सरसाइज थी. इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव हमारे साथ टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव. और जो इन्फिनिटिव फ्रेज होगा, इन्फिनिटिव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रिलेटेड वर्ब दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव. सो दिस वॉज द लेक्चर.